दुनिया के लिए शोध का विषय बन चुके कैलाश पर्वत के रहस्य बेशक अभी तक सामने नहीं आ पाए हों, लेकिन जन्माष्टमी और राधा अष्टमी के दिन चौथे पहर में कैलाश पर दिखाई पड़ती दिव्य ज्योति और फिर इसके डल झील में समा जाने के अद्भुत अलौकिक और अविस्मरणीय क्षण में गूंजते भोलेनाथ के उद्घोष भगवान की मौजूदगी की गवाही अभी भी देते हैं। ये शिवधाम जिला चंबा से करीब 60 किलोमीटर दूर भरमौर उपमंडल में स्थित है। मणिमहेश में कैलाश पर्वत भगवान शिव का वास स्थान माना जाता है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ शेष मणि के रूप में विराजमान है। भगवान शिव लोगों को दर्शन भी मणि के रूप में देते हैं, इसीलिए इस धार्मिक स्थल का नाम मणिमहेश पड़ा। वहीं धौलाधार पांगी व जासंकर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा ये कैलाश पर्वत मणिमहेश कैलाश के नाम से जाना जाता है। सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति के साथ डल झील में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ही यहां मणि के दर्शन होते हैं। वहीं एक और मान्यता के अनुसार भगवान शंकर ने पार्वती के साथ रहने के लिए इस मणिमहेश पर्वत की रचना की थी। भगवान शिव आज भी चौथे पहर में अपने भक्तों को मणि के रूप में दर्शन देते हैं। इस स्वर्णिम लम्हे के इंतजार में कई शिव भक्त पूरी रात नहीं सोते और जैसे ही चौथे पहर में चांद की रोशनी से मणि चमकती है तो पूरी डल झील और आसपास का क्षेत्र भगवान भोलेनाथ के जयकारों और उद्घोष से गूंज उठता है। चमत्कारों और रहस्यों से भरे कैलाश पर्वत में दिखने वाले इस अद्भुत नजारे के आगे डल झील पर मौजूद हर कोई शख्स नतमस्तक हो जाता है। रोचक है कि हर वर्ष यहां जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक आयोजित होने वाली मणिमहेश यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु डल झील में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मणिमहेश झील के एक कोने में शिव की एक संगमरमर की छवि है जो तीर्थ यात्रियों द्वारा पूजी जाती है जो इस जगह पर जाते हैं। पवित्र जल में स्नान के बाद तीर्थ यात्री झील की परिधि के चारों ओर तीन बार जाते हैं। झील और उसके आसपास एक शानदार दृश्य दिखाई देता है। झील के शांत पानी में बर्फ की चोटियों का प्रतिबिंब छाया के रूप में प्रतीत होता है। मणिमहेश विभिन्न मार्गों से जाया जाता है। लाहौल स्पीति से तीर्थयात्री कुकती पास के माध्यम से आते हैं। कांगड़ा और मंडी से कुछ कवारसी या जुलूस पास के माध्यम से आते हैं। वर्तमान में बसें हड़सर तक जाती हैं। हड़सर और मणिमहेश के बीच एक महत्वपूर्ण स्थायी स्थान है जिसे धनचो के नाम से जाना जाता है, जहाँ तीर्थयात्री आमतौर पर रात बिताते हैं। यहाँ एक सुंदर झरना है। मणिमहेश झील से करीब 1 किलोमीटर पहले गौरीकुंड और शिवकोत्री नामक दो धार्मिक महत्व जलाशय हैं, जहाँ लोकप्रिय मान्यता के अनुसार गौरी और शिव ने क्रमशः स्नान किया था। मणिमहेश झील को प्रस्थान करने से पहले महिला तीर्थयात्री गौरीकुंड में और पुरुष तीर्थयात्री शिवकोत्री में पवित्र स्नान करते हैं। कहते हैं कि जो भी मणिमहेश की यात्रा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है।